आज सबसे पहले हम एक ऐसा मुद्दा उठाना चाहते हैं जिस पर हो सकता है आपका ध्यान ना गया हो, लेकिन ये एक चिंताजनक बात है। हिंदू धर्म को सनातन धर्म भी कहा जाता है। सनातन का मतलब है शाश्वत, यानी हमेशा बना रहने वाला, मतलब जिसकी ना कभी शुरुआत हुई और ना ही कभी अंत होगा। ये सनातन शब्द की परिभाषा है। लेकिन सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म की आबादी पूरी दुनिया में लगातार घटती जा रही है। आज हमने इस पर एक अध्ययन किया। अगर कुछ प्रमुख देशों की सरकारी एजेंसियों और दुनिया के मशहूर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के आंकड़े देखें तो ये पता चलता है कि हिंदू धर्म के मानने वाले अब दुनिया में लगातार कम होते जा रहे हैं। और ये बात आज हम आपको आंकड़ों की मदद से समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। अब आंकड़ों पर पहले नजर डालिए। वर्ष 1951 में भारत में 84.1% हिंदू थे, लेकिन 2011 में हिंदुओं की आबादी घटकर 79.8% रह गई थी। यानी 60 वर्षों में भारत में हिंदुओं की आबादी 4.3% घट गई। नेपाल में वर्ष 1952 में 88.87% हिंदू थे, लेकिन 2011 में नेपाल में हिंदुओं की आबादी घटकर 81.3% रह गई। यानी 59 वर्षों में नेपाल में भी हिंदुओं की आबादी करीब 7.5% घट गई। बांग्लादेश में वर्ष 1951 में करीब 22% हिंदू थे, लेकिन 2015 में हिंदुओं की आबादी बांग्लादेश में घटकर 10.5% रह गई। यानी 64 वर्षों में बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी करीब 11.5% घट गई। मॉरिशस में वर्ष 1901 में 55.62% हिंदू थे, लेकिन वर्ष 2010 में हिंदुओं की आबादी घटकर 48.5% रह गई। यानी 109 वर्षों में मॉरिशस में हिंदुओं की आबादी 7.12% घट गई। दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना में वर्ष 1991 में कुल जनसंख्या के 35% हिंदू थे, लेकिन वर्ष 2012 में हिंदुओं की आबादी घटकर 24.8% हो गई। यानी 21 वर्षों में गुयाना में हिंदुओं की आबादी करीब 10% घट गई। इसी तरह फिजी में वर्ष 1976 में 40% हिंदू थे, लेकिन वर्ष 2007 में हिंदुओं की आबादी घटकर 28% रह गई। यानी 31 वर्षों में फिजी में भी हिंदुओं की आबादी घटकर 31% हो गई। हमारे देश में ये आम धारणा है कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं और बाकी के जो धर्म हैं उनके लोग अल्पसंख्यक हैं, लेकिन ये बात पूरी तरह सच नहीं है। हमारे देश में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में हिंदुओं की आबादी 50% से भी कम हो चुकी है। 2011 की जनगणना के मुताबिक लक्षद्वीप में सिर्फ 2.7% हिंदू हैं, मिजोरम में 2.75% हिंदू हैं, नागालैंड में कुल आबादी में केवल 8.75% हिंदू हैं और मेघालय में 11.53% हिंदू हैं, जबकि जम्मू और कश्मीर की आबादी में 28.44% हिस्सा ही हिंदुओं का है। अरुणाचल प्रदेश में केवल 29% हिंदू हैं, मणिपुर में कुल जनसंख्या का 31.39% हिंदू हैं और पंजाब की आबादी में भी 39.4% ही हिंदू हैं। लेकिन इनमें से किसी भी राज्य में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिला है। इसी महीने अखिल भारतीय संत समिति ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर हर राज्य में संप्रदाय के आधार पर अल्पसंख्यकों की पहचान करने की मांग की थी। वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिलाने के लिए एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में मांग की गई थी कि अल्पसंख्यक आयोग और सरकार उन राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित करे जहां पर हिंदुओं की आबादी कम है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो इसके लिए सरकार से मांग करें, लेकिन सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई एक्शन नहीं लिया। 11 फरवरी 2019 को इस मामले में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि वो 90 दिनों के अंदर अल्पसंख्यक की परिभाषा तय करे और साथ ही वो मापदंड निर्धारित किए जाएं जिससे अल्पसंख्यकों की पहचान की जाए। यानी सरकार ये फैसला करे कि अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या है और कौन लोग अल्पसंख्यक कहलाए जाएंगे। 10 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के भी 90 दिन पूरे हो गए, लेकिन अब तक
ना तो अल्पसंख्यक की परिभाषा निर्धारित हुई है और ना ही इसके लिए कोई पैमाना तय हुआ है। जब हमारे संविधान में आर्टिकल 14 सबको बराबर का अधिकार दे रहा है, आर्टिकल 15 कह रहा है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं होगा, तो क्या जरूरत है धर्म के आधार पर भेदभाव करने की? यह परंपरा आखिर कब तक चलेगी? 70 साल बीत चुका है अब तो। इसलिए मेरा आग्रह यही है कि अब तुष्टीकरण बंद किया जाए, बहुत हो गया, और समान शिक्षा, समान चिकित्सा, समान नागरिक संहिता के साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून और धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया जाए। दुनिया के अन्य देशों में जो माइनॉरिटी है वो कहते हैं धर्मांतरण विरोधी कानून बनाओ, और यहां हिंदू कह रहा है, बहुसंख्यक हिंदू कह रहा है कि धर्मांतरण विरोधी कानून बनाओ, क्योंकि देखते देखते जितने आदिवासी हैं, जितने दलित हैं, जो गरीब हैं, उनका कन्वर्जन किया जा रहा है। पैसे के दम पे कन्वर्जन किया जा रहा है, जोर जबरदस्ती कन्वर्जन किया जा रहा है, धोखे के साथ कन्वर्जन किया जा रहा है, उनके साथ छल किया जा रहा है। इसलिए मेरा आग्रह है कि समान शिक्षा, समान चिकित्सा, समान नागरिक संहिता के साथ साथ एक कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून और धर्मांतरण विरोधी कानून तत्काल बनाया जाए। हमारे देश में अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग मंत्रालय है। इस मंत्रालय का काम अल्पसंख्यक समुदायों की भलाई के लिए अलग अलग योजनाएं बनाना और उन्हें लागू करना है। इस मंत्रालय का काम गरीब अल्पसंख्यक छात्रों की पढ़ाई को बढ़ावा देना होता है। इसके लिए उन्हें स्कॉलरशिप दी जाती है, और अधिकतर आपने देखा होगा इस मंत्रालय में जो मंत्री बनाए जाते हैं वो भी अक्सर उन्हीं समुदाय के लोग होते हैं, यानी अल्पसंख्यक समुदाय का ही कोई नेता ज्यादातर इस मंत्रालय में मंत्री भी बनाया जाता है। लेकिन हमारे देश में अल्पसंख्यक का दर्जा मिलने वाले समुदायों को जो सबसे बड़ी चीज मिलती है वो है सहानुभूति। अल्पसंख्यक होने पर सहानुभूति का भाव एक बहुत बड़ा लाइसेंस है। स्कूल हो, कॉलेज हो, समाज हो, हर तरह की संस्थाओं में अल्पसंख्यकों को एक विशेष महत्व दिया जाता है। पुलिस थानों में अल्पसंख्यकों की जो सुनवाई होती है वो बाकी लोगों से ज्यादा होती है, उन्हें विशेष सुनवाई का अवसर मिलता है। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों के हाथ कांप जाते हैं जब वो ये जान लेते हैं कि ये मामला किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी का है। राजनीति में अल्पसंख्यकों का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि नेता भी अल्पसंख्यक वर्ग को विशेष महत्व देते हैं, और हमारे नेताओं ने तो अल्पसंख्यकों को हमेशा एक वोट बैंक माना है। अब जहां इतना बड़ा वोट बैंक हो वहां महत्व तो अपने आप बढ़ ही जाएगा। भारत में अल्पसंख्यक का दर्जा किसी वीआईपी स्टेटस से कम नहीं है। भारत को दुनिया ने विश्व गुरु कहा, यहां एक से एक बड़े विद्वान हुए, लेकिन हमारे देश के विचारकों ने कभी भी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक शब्द या इस विचार का निर्माण नहीं किया, क्योंकि हिंदू धर्म बहुत सहनशील है। हिंदू धर्म का मूल विचार यह है कि ईश्वर को प्राप्त करने के सबके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, और यही वजह है कि हिंदू धर्म ने कभी किसी और धर्म का विरोध नहीं किया। उसने दूसरे धर्मों को भी ईश्वर तक पहुंचने का एक माध्यम माना है, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में इतनी सहनशीलता कभी भी दिखाई नहीं दी। एशिया और यूरोप के देशों का इतिहास धर्म के नाम पर खून खराबे से भरा हुआ है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में पूरे यूरोप और एशिया में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बहुत हिंसा हुई है। खास तौर पर यहूदियों को निशाना बनाया गया। यहूदियों की संख्या कम होने की वजह से वो अपनी रक्षा ठीक से नहीं कर सके। टर्की में पहले विश्व युद्ध के दौरान आर्मेनियन नस्ल के लाखों लोगों का नरसंहार किया गया। उन पर रशिया के साथ मिले होने का आरोप था। इस नरसंहार का आरोप ऑटोमन एम्पायर पर है। दूसरे विश्व युद्ध के पहले और युद्ध के दौरान जर्मनी के तानाशाह अडोल्फ हिटलर ने भी बहुत बड़ी संख्या में यहूदियों का नरसंहार किया था, और यही वजह है कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद पूरी दुनिया में अल्पसंख्यकों की रक्षा का एक अलग भाव पैदा हुआ। लेकिन विश्व स्तर पर अल्पसंख्यक की कोई परिभाषा तय नहीं हो पाई। 1992 में सहमति के साथ यूनाइटेड नेशंस माइनॉरिटीज डिक्लेरेशन स्वीकार किया गया। इसके पहले आर्टिकल के मुताबिक नस्ल, भाषा, संस्कृति और पहचान के आधार पर संख्या में कम लोगों की सुरक्षा की जानी चाहिए। इसे दुनिया में एक अंतर्राष्ट्रीय कानून के तौर पर मान्यता प्राप्त है। भारत के संविधान के आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यकों को विशेष संरक्षण का जिक्र किया गया है। आर्टिकल 29 के मुताबिक जिन लोगों की अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उन्हें
इसे बनाए रखने का पूरा अधिकार है। सरकार की मदद से चलने वाली किसी शिक्षण संस्था में धर्म, वंश, जाति या भाषा के आधार पर किसी को वंचित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 30 के मुताबिक धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक लोगों को अपनी रुचि के हिसाब से शिक्षा संस्थान चलाने का अधिकार है, लेकिन भारत के संविधान में अल्पसंख्यक की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। भारत में संस्कृति, खानपान और संबंधों के आधार पर देखा जाए तो हिंदू और मुसलमानों के बीच हमेशा एक दूरी बनाकर रखी गई, हमेशा एक दूरी रही, लेकिन दोनों समुदाय सदियों से एक दूसरे के साथ रहे हैं। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व हिंदू और मुसलमान दोनों ही समुदायों ने किया था। हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़े थे। उस वक्त अंग्रेजों की सेना में मौजूद हिंदू सिपाहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता माना था। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भेदभाव पैदा करने वाली अलग अलग नीतियां बनाई, क्योंकि वो समझ गए कि हिंदू और मुसलमान अगर एक हो गए तो उनके लिए मुश्किलें पैदा हो जाएंगी, और वहीं से ये इन दोनों को बांटने की राजनीति शुरू हुई। और इस तरह की राजनीति करने वाले लोगों को उसके बाद से प्रोत्साहित किया जाने लगा, जो आज तक जारी है। वर्ष 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों को अल्पसंख्यक होने के आधार पर नौकरियों में आरक्षण की मांग की थी। बाद में मुसलमानों को अलग निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार भी मिल गया, यानी मुसलमानों के लिए सीटें भी आरक्षित कर दी गई। उस वक्त की राजनीति में अल्पसंख्यक जैसा कोई शब्द चर्चा में नहीं था, लेकिन मुस्लिम लीग की नींव में अल्पसंख्यकवाद की राजनीति है, दिखाई देती है। आजादी के बाद भी देश में अल्पसंख्यकवादी राजनीति जारी रही। परिभाषा तय करना आज भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि हिंदू धर्म की ना तो कोई एक किताब है, ना ही कोई एक धर्म गुरु। ना कोई एक देवता है और ना ही कोई एक पूजा स्थल। हिंदू धर्म विविधता से भरा हुआ है, इसे सनातन धर्म कहना या आदि धर्म कहना ज्यादा उचित होगा, क्योंकि इस बात का कोई इतिहास भी दर्ज नहीं है कि ये कब शुरू हुआ। हिंदू ये शब्द भी करीब 1000 सालों से प्रचलन में है। इससे पहले हिंदू धर्म को आर्य धर्म या वैदिक धर्म कहा गया। ये बहुत प्राचीन धर्म है, लेकिन पिछले 1000 सालों से लगातार हिंदुओं की आबादी घटती जा रही है। हिंदू जनसंख्या आधुनिकता के अनुकूल जनसंख्या नियंत्रण के साथ चलता है, जबकि विशेष करके मुस्लिम जनसंख्या की आबादी पूरी दुनिया में और भारत में विशेष करके बढ़ रही है। उसका कारण धर्म की आड़ में जनसंख्या नियंत्रण की परंपराओं को, कानूनों को और निर्देशों को लागू नहीं करना। जैसे ही आप इस विषय को लेते हैं, कुछ लोग विवाद खड़ा कर देते हैं, जबकि ये विषय वास्तव में गंभीरता से विचार करने का विषय है। क्या कारण है कि पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या कम होती चली गई? क्या कारण है बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या कम होती चली गई? क्या कारण है कि एक धर्म विशेष को ही कन्वर्जेंस के लिए, धर्म परिवर्तन के लिए लोग टारगेट करते रहे हैं? तो कहीं पर धर्म परिवर्तन कारण है, कहीं पर बढ़ती हुई जनसंख्या कारण है। हिंदुज्म एक ऐसा धर्म है जो कन्वर्जन की बात नहीं करता है। यही कारण है कि इन्होंने कभी अपनी संख्या को बढ़ाने का प्रयास ही नहीं किया है, क्योंकि हिंदुज्म में ना केवल सहनशीलता है, समन्वय है, बल्कि कहीं ना कहीं ये एक विश्वास भी है कि आप सब की सबके साथ आप
पीसफुल को एग्जिस्टेंस के साथ आप रह सकते हैं। भारत से ही निकलकर बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैलता चला गया। दुनिया में ऐसे विद्वानों की कमी नहीं है जो बौद्ध धर्म को भी हिंदू धर्म की ही एक शाखा मानते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म भी बीते 1000 सालों में लगातार सिमटता गया। अफगानिस्तान में तालिबान ने बौद्ध धर्म की निशानियों को भी नहीं बख्शा। अहिंसा की शिक्षा देने वाले बौद्ध धर्म को हिंसा करने वाले लोगों ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। पहले अफगानिस्तान से हिंदू धर्म का सफाया हुआ, फिर बौद्ध धर्म का सफाया हुआ। और बाद में वहां तालिबान ने बौद्ध धर्म के प्रतीकों को भी निशाना बनाया। बौद्ध धर्म की तरह हिंदू धर्म को भी निशाना बनाया गया था। फर्क सिर्फ इतना है कि हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाए जाने के सिर्फ प्रमाण मौजूद हैं, कोई लाइव तस्वीरें नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिंदुओं की आबादी घटने की प्रमुख वजह अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं का दमन है और यह सिलसिला 1000 वर्षों से जारी है। अगर हम भारत के इतिहास पर गौर करें तो पहले भारत की सीमाएं अफगानिस्तान के पार जाती थी। ईरान भी हमारा पड़ोसी देश हुआ करता था। वर्ष 980 में, यानी आज से करीब 1000 वर्ष पहले, अफगानिस्तान पर राजा जयपाल का शासन था और वो एक हिंदू राजा थे, लेकिन मुस्लिम शासकों ने उन पर हमला करके उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया और इसके बाद धीरे धीरे अफगानिस्तान भारत के नक्शे से बाहर चला गया। आज अफगानिस्तान में बहुत ही गिने चुने हिंदू और सिख बचे हैं और उनकी भी हालत बहुत खराब है। 1947 में भारत के बंटवारे के बाद पाकिस्तान में भी बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुओं का दमन हुआ, जो अब भी जारी है। 1947 में पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 15% थी, लेकिन आज वहां की कुल आबादी में केवल 1.5% हिंदू ही बचे हैं। वर्ष 1947 में पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में 22% के आसपास आबादी हिंदुओं की थी, जो वर्ष 2015 में घटकर सिर्फ 10.5% रह गई। जबकि भारत में मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। आजादी के बाद 1951 में मुसलमानों की आबादी करीब 10% थी और 2011 की जनगणना के मुताबिक मुसलमानों की आबादी भारत में करीब 14% थी, यानी 4% बढ़ गई। आजादी के बाद 1951 में भारत में 3.5 करोड़ मुसलमान थे, जो 2011 तक 17 करोड़ से ज्यादा हो चुके थे और अनुमान यह है कि वर्ष 2050 तक भारत में मुसलमानों की संख्या 31 करोड़ से ज्यादा होगी और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में होंगे। दुनिया में इस समय 57 इस्लामिक देश हैं। इसके अलावा दुनिया के 84 देश ऐसे हैं जहां ईसाइयों की संख्या ज्यादा है। ईसाई बहुसंख्यक हैं। इन देशों में ईसाई धर्म के प्रचार पर बहुत जोर दिया जाता है, लेकिन पूरी दुनिया में एक भी राष्ट्र ऐसा नहीं है जो शुद्ध रूप से हिंदू राष्ट्र हो। एक भी हिंदू राष्ट्र दुनिया में नहीं है। हिंदू धर्म के प्रचार में कमी भी हिंदुओं की आबादी घटने की एक बड़ी वजह हो सकती है। हमारे देश में हिंदुओं की बात करना सांप्रदायिक माना जाता है। जैसे ही हिंदुओं के हित की बात कोई करता है तो बहुत सारे बुद्धिजीवी और बहुत सारे नेता, लेखक, पत्रकार असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। किसी भी दूसरे धर्म के बारे में आप बात कर लीजिए, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन हिंदू धर्म की बात करना खराब माना जाता है, सांप्रदायिक माना जाता है। हम स्थिति को बदलना चाहते हैं। हम यहां ये नहीं कह रहे कि भारत में दूसरे धर्मों की कोई जगह नहीं है। भारत में हर धर्म की जगह है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और उसे धर्मनिरपेक्ष रहना चाहिए। लेकिन धर्मनिरपेक्ष का मतलब यह नहीं है कि हिंदू संप्रदाय के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में बिल्कुल सोचना बंद कर दिया जाए और सिर्फ अल्पसंख्यक समुदायों के बारे में ही सोचा जाए। आजकल का जो फैशन है वो ये है कि अगर आप अल्पसंख्यक समुदायों के बारे में सोचते हैं तभी आप सेकुलर कहलाए जाएंगे, तभी आप धर्मनिरपेक्ष कहलाए जाएंगे, और अगर किसी ने हिंदुओं के हितों की बात कर दी तो उसे सांप्रदायिक माना जाएगा। इसलिए
हम आप सबको स्थिति से अवगत कराना चाहते थे। हमारा मकसद यहाँ किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, हमारा मकसद ये कहना भी नहीं है कि बाकी के धर्म के लोगों की इस देश में जगह नहीं है। इस देश में उनकी उतनी ही जगह है, उनका स्वागत है, लेकिन इस देश में हिंदुओं की भी उतनी ही जगह होनी चाहिए। आज हमारी ये जो रिपोर्ट आपको दिखाई है उसका भाव सिर्फ